नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 500 साल प्राचीन मेवाड़ के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में हुई चोरी का खुलासा। मास्टरमाइंड सरगना सहित दो गिरफ्तार, एक को निरुद्ध किया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी को उमरी ग्राम पंचायत और रायपुर थाना सर्कल के जगदीश ग्राम में स्थित प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में पुजारी को बंधक बनाकर मारपीट कर करीब 30 किलो चांदी और 38 ग्राम सोने के आभूषण मंदिर से चुरा ले गए, जिस पर रायपुर पुलिस ने टीम गठित कर अनुसंधान किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा चंचल मिश्रा के नेतृत्व में गंगापुर पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मीणा, रायपुर थानाधिकारी प्रेम सिंह, सहायक थानाधिकारी इंद्रजीत सिंह, साइबर सेल के आशीष कुमार सत्यनारायण और रायपुर थाने के रज्जाक मोहम्मद मनीराम संजीव सहित 12 पुलिस कर्मियों की टीम गठित कर वारदात का वैज्ञानिक तरीके से खुलासा करते हुए पूर्व की घटनाओं से प्रेरित होकर विशेष टीम द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर के आसपास के विस्तृत वन क्षेत्र की सघन तलाशी अभियान में घटना में चुराए आभूषण सुनसान जंगल से प्राप्त हुए थे। अपराधियों द्वारा घटना के पूर्व एवं उपरांत शराब का सेवन कर छोड़े गए खाली पौओं के बैच नंबर और ब्रांड द्वारा बेचने वाले शराब के ठेके का पता लगाकर खरीदने वाले अज्ञात बदमाशों का खुलिया और घटना के प्रयुक्त वाहन और बदमाशों के संबंधित क्षेत्र का निर्धारण किया जाकर अनुसूचनाएं संकलित की गई। घटनास्थल के चारों ओर गुजरने वाले रास्तों के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का डाटा लिया जाकर उनका विश्लेषण किया गया। 10 दिन से अधिक टोल प्लाजा के सीसी कैमरे भी चेक किए गए। साइबर सेल भीलवाड़ा द्वारा घटनास्थल पर संभावित रास्तों से बीटीआई संकलित किए जाकर विश्लेषण किया जाकर संदिग्धों की पहचान और रूट के संबंध में सूचना संकलन किया गया। संदिग्धों के संभावित रूट का निर्धारण किया जाकर फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर विभिन्न स्थानों पर टीम के सदस्यों द्वारा कैंप कराया। मंदिर निर्माण में कार्य करने वाले और पूर्व में काम कर चुके 200 से अधिक मजदूरों से भी पूछताछ की गई। आसपास के आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों की भी पूछताछ की गई। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी साइबर टीम द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले बदमाश पाली जिले के नाना थाना क्षेत्र के होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर विशेष टीम द्वारा पाली जिले के नाना थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आपराधिक जिनका आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया है। हमने संपर्क किया तो जिला पुलिस ने हमें ये सूचना दी कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था इस घटना से 7-8 दिन पूर्व, तो उन लोगों को भी हमने ट्रैक किया। जो आने जाने के रास्ते थे, कहाँ सीसीटीवी फुटेजेस हैं, ये एस्टैब्लिश करने के लिए जो टीम लग रही थी उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस को भी अलग अलग देखा। आपने देखा होगा मंदिर में भी डीवीआर जो थी उसको भी इन्होंने डैमेज किया था। उस डीवीआर को भी हम रिट्रीव करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो भी डेटा है उसको रिट्रीव किया जा सके। टोल प्लाजाज इनसे भी फुटेज को चेक किया गया। ओवरऑल जब हम इन छोटे छोटे क्लूज को जोड़ने लगे, राजसमंद से मिले इन्फॉर्मेशन को, जो शराब की जब पहचान की इन्फॉर्मेशन को, और जो हमारी बीटीएस टीम ने डेटा उठाया था, उन डेटा से हम 2-3 सस्पेक्ट लोगों के ऊपर जीरो इन कर चुके थे कि इनमें से कोई लोग हैं जो प्रॉबेबली यहाँ पे आए हैं, और उनके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में पता किया गया तो उनका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड उनमें से कुछ लोगों का था। जब एक संदिग्ध नंबर उनमें से सामने आया, उस नंबर को ट्रैक किया, तो पता लगा कि वो यहाँ पे मंदिर निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो चूंकि कोई डिटेल्ड सूचना नहीं थी किसी के बारे में, ना इनोडेट क्ल्यू था, इसलिए बहुत सारे लोगों से पूछताछ करना ज़रूरी था। उसी इंटेलिजेंस के आधार पर और फील्ड यूनिट्स के आधार पर हमने ज़ीरो इन किया, काफ़ी सस्पेक्ट्स को चेक किया। चेक करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर आदमी मिला जिससे हमें इस वारदात को ट्रेस आउट करने में काफ़ी मदद मिली। जो भी लोग यहाँ आ जा रहे थे उनका हमने जब टेक्निकल एनालिसिस किया तो ये सामने आया है कि 2-3 लोग हैं जो घटना से पहले आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, फिर घटना के दौरान जब हैं वो मूवमेंट इस तरफ है, लेकिन घटना के दौरान उनको कोई भी यहाँ पे लोकेशन अवेलेबिलिटी ये चीज़ नहीं है, लेकिन घटना के बाद फिर वापस जैसे आना और जाना प्रूव हो रहा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उन 3 लोगों को हमारी जो टीम है साइबर में, सत्यनारायण है, इन लोगों ने उसको ट्रैक किया और उसके बेसिस पे जब शराब बेचने वाले से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया कि इन्हीं लोगों ने
उस दिन पहले जो घटना से सुबह वाली उस टाइम पे इस शराब को ख़रीदा है, और जब इन लोगों को हमने ट्रैक किया वापस तो ये लोग हमें यहाँ आते हुए प्राप्त मिले। जब इनको ये रहा कि ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने पाली में, राजसमंद में और सिरोही के एरियाज़ में जगह जगह इनकी दबिश दी। थोड़ा जो हमने और एक्सप्लोर किया तो सामने आया कि पूर्व में भी ये लोग वांछित चल रहे हैं, जिन लोगों के नाम अभी आपको मिल जाएंगे, ये लोग वांछित चल रहे हैं। जालौर में भी जो है एक मंदिर चोरी में इनकी संलिप्तता सामने आई है, तो ये लोग अपने एरिया से बाहर हैं। जब इनकी मूवमेंट की ट्रैकिंग हुई तो हमने नाकाबंदी की और उसमें इनको हमने डिटेन किया। घटना करने वाले तीन लोग हैं, जिसमें मेन जो किंग पिन है वो आशाराम नाम से एक व्यक्ति है, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ कालाराम है और एक बालकचारी को डिटेन किया गया है। इनसे पूछताछ की गई।